नमस्कार, मैं डॉक्टर उज्ज्वला पत्की गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। पत्की हॉस्पिटल कोल्हापुर में पिछले 30 सालों से मैं सेवा में हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रेगनेंसी के बारे में साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ, शास्त्रीय जानकारी देने जा रही हूँ। आज का मेरा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ लेबर, मतलब डिलीवरी कैसी होती है और उसमें कौन से स्टेप्स होते हैं। पहले तो मैं आपको दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि फॉल्स लेबर क्या होता है। 9 महीने पूरे होने के बाद या 9वें महीने में कभी कभी हमारी पेशेंट को हल्का सा दर्द पेट में महसूस होता है। ये दर्द ज़्यादा से ज़्यादा लोअर एब्डोमेन और थाइज में होता है, लेग्स में होता है। ये दर्द डल पेन होता है, स्ट्रॉन्ग पेन्स, रिदमिक पेन्स नहीं होते हैं। इसके साथ प्रेगनेंसी में जो हमें वाइट डिस्चार्ज होता है वो हल्का ही होता है, लेकिन ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होता है, तो इसे फॉल्स पेन्स कहते हैं। ये फॉल्स पेन्स आगे बढ़ते नहीं हैं और थोड़ा आराम करने से और पेन किलर से, एनाल्जेसिक टैबलेट से ये वापस जाते हैं, तो इसे लेबर पेन्स नहीं बोलते, ये फॉल्स पेन्स होते हैं। ट्रू लेबर पेन्स मतलब सच्चे लेबर का दर्द कैसे जानेंगे? तो 9 महीने तो हमारी तबीयत अच्छी थी, अचानक 9वें महीने के एंड को हमें पेट में दर्द चालू होता है। ये दर्द पीठ से शुरू होके आगे नाभि तक आता है। इसे रिदम होता है, हर 10 मिनट में, 15 मिनट में ये दर्द आने चालू होगा। फिर इसका रिदम बढ़ेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी जल्दी होगी। पहले तो आधे घंटे में आएगा, फिर 20 मिनट में आएगा और फिर 5-5 मिनट में भी चालू होगा। जोर से दर्द, मतलब इसकी इंटेंसिटी, ताकत भी बढ़ेगी। पहले हल्का फुल्का दर्द था, अब ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी के साथ साथ हमें जो 9 महीने हमारी MC रुक गई है, तो इसी के साथ साथ हमें ब्लीडिंग भी शुरू होगी, नहीं तो किसी किसी औरत को वाटर डिस्चार्ज होगा। अचानक एमनियोटिक फ्लूइड, जिसे लाइकर भी बोलते हैं, वो अचानक वजाइना से लीक होना चालू होगा। तो ये बात आपको इमीडिएट हॉस्पिटल जाने की है। ये आपका ट्रू लेबर पेन चालू हो गया है। तो लेबर की स्टेजेस क्या होती है? फर्स्ट स्टेज जो होती है, इसमें लेटेंट फेज और एक्टिव फेज दोनों होते हैं। लेटेंट फेज ये प्राइमी के, मतलब पहले बार जो औरत डिलीवरी कर रही है उसे प्राइमी बोलते हैं। उसके बारे में ये लेटेंट फेज 8 से 12 घंटों की हो सकती है। इसमें बच्चादानी का जो मुंह है, जिसे साइंस में सर्विक्स बोलते हैं, वो धीरे 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 ओपन होता है, तो ये लेटेंट फेज होती है। इसके बाद में एक्टिव फेज होती है। एक्टिव फेज का मतलब क्या? एक्टिव फेज में कॉन्ट्रैक्शंस फास्ट आएंगे, पेन्स जल्दी जल्दी आएंगे, डिस्चार्ज होगा, ब्लीडिंग होगी, हल्का फुल्का पानी निकलेगा और स्ट्रॉन्ग पेन्स की वजह से बच्चादानी का जो मुंह है, मतलब जो सर्विक्स है, वो डायलेटेशन फास्ट होगा, 4 सेंटीमीटर से लेके 10 सेंटीमीटर तक वो आगे जाएगा। हमारा जो बच्चादानी का मुंह है, सर्विक्स है, वो पूरे 9 महीने बंद है। उसने हमारे बच्चे को पिशवी में सुरक्षित पकड़ के रखा है। अभी डिलीवरी का वक्त आया है तो ये मुंह खुलना चालू होगा। आपको डॉक्टर इंटरनली तपासेंगे, मतलब वजाइनली तपासेंगे, और बताएंगे कि आपके पिशवी का मुंह खुल गया है, 2 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, ऐसे आपको डायलेटेशन मालूम होगा। डायलेटेशन का मतलब है बच्चादानी का मुंह कितना बड़ा हो गया है। तो ये कितना होना चाहिए? पहले तो ये बंद था, अभी धीरे 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 खुल के ये 10 सेंटीमीटर तक, मतलब पूरा खुल जाना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे का सिर उसमें से बाहर निकल जाए, तो इसे कहते हैं डायलेटेशन। तो लेटेंट फेज और एक्टिव फेज मिला के हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर हो गई। ये फर्स्ट स्टेज मैंने जैसे बताया, प्राइमी में, मतलब जो हमारी माँ पहली बार होने वाली है, उसमें ये 8 घंटों से 12 घंटे तक चलेगी। और जो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार डिलीवरी कर रही है, जिसे हम मल्टी बोलते हैं, तो उसमें ये कम, आधा टाइम होगी, 6 घंटे, 4 घंटे भी चल सकती है। तो फर्स्ट स्टेज में हमारी माँ को क्या करना है? अभी होने वाली माँ तो ये फर्स्ट स्टेज में अपने लेबर रूम में रहेगी, नहीं तो वार्ड में रहेगी। ये अपने अपने हॉस्पिटल के हिसाब से माँ को एडमिट कर लेंगे।
फिर उसके साथ रिलेटिव्स रहेंगे, उसे खाने पीने का क्या देना है, लिक्विड्स भरपूर देते रहना है, वो पोजीशन कौन सी लेगी, वो घूम फिर सकती है, साइड पे सो सकती है, बैठ सकती है, और सपोर्ट के साथ किसी के हस्बैंड को माँ को साथ लेके चल फिर भी सकती है। अगर पेंस ज़्यादा बढ़ गए तो वो लेट सकती है। बीच बीच में डॉक्टर आके आपका ब्लड प्रेशर, आपका नाड़ी मतलब पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, वजाइनल एग्जामिनेशन मतलब अंदर से तपास ये करते रहेंगे, और बच्चादानी का मतलब यूट्रस का मूव मतलब सर्विक्स कितना खुला ये आपको बताते जाएंगे। जब पिशवी का मुंह पूरा खुल जाएगा तो आपकी फर्स्ट स्टेज पूरी हो गई। इसमें डॉक्टर को ज़रूरी पड़े तो डॉक्टर लोग आपको कुछ इंजेक्शंस दे सकते हैं। अगर आपके पेंस बीच बीच में कमज़ोर पड़ रहे हैं तो आपको पेंस अच्छे होने के लिए पिटोसिन नाम का इंजेक्शन देते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन नाम की टैबलेट्स का उपयोग किया जाता है। एपिडोसिन नाम के इंजेक्शन का उपयोग आपके बच्चादानी का मुँह अच्छे से खुले इसलिए भी किया जाता है। कभी कभी इंट्रावीनस सलाइन दिया जाता है ताकि हमारी माँ ताकतवर हो, उसे डिहाइड्रेशन न हो। तो ये डॉक्टर अपनी अपनी साइंस के अनुसार आगे चलते हैं। फिर बात हो गई सेकंड स्टेज की। ये सेकंड स्टेज क्या होती है? सेकंड स्टेज बच्चादानी का मुंह पूरा खुलने के बाद मतलब 10 सेंटीमीटर खुलने के बाद चालू होती है और पूरे बच्चे की डिलीवरी हो जाए उसे सेकंड स्टेज बोलते हैं। तो सेकंड स्टेज में क्या क्या होगा? सेकंड स्टेज में बच्चादानी का मुंह तो खुल चुका है, अभी हमारा बच्चा पेट में से उतर के नीचे वजाइना की तरफ सरकेगा, इसे डिसेंट बोलते हैं, और बाहर निकलने की कोशिश करेगा। डॉक्टर आपके साथ है, आपके हस्बैंड हो, एक खादा रिलेटिव हो, लेबर रूम में लेते हैं और सब मदद आपको करते हैं। आपको सिर्फ हौसला रखना है। ज़रूरत पड़े तो पेरिनियम पे मतलब नीचे की जगह एक हल्का सा कट देते हैं जिसे एपिजियोटमी बोलते हैं, और वो बाद में सूचर करते हैं, सिलाई करते हैं। तो इसके साथ बच्चे का बाहर निकलना आसान होता है। तो बच्चे का पहले हेड प्रेजेंटेशन हो जिसे हम वर्टेक्स बोलते हैं, तो पहले बच्चे का सिर आता है, फिर हाथ, एब्डोमेन, टमी और पांव, इस क्रम से बच्चा बाहर आएगा। बच्चा बाहर आने के बाद सेकंड स्टेज ख़त्म हो गई। तो ये सेकंड स्टेज में हमें क्या क्या दवाइयाँ मिलेगी? पहले स्टेज वाली दवाइयाँ कंटिन्यू होगी, और सेकंड स्टेज में आपको आईवी ड्रिप मतलब सलाइन चाहे तो फास्ट दे देंगे ताकि आपको न्यूट्रिशन अच्छा मिल जाए। ये डॉक्टर लोग डिसाइड करेंगे आपकी तबीयत के अनुसार। फिर हमारी थर्ड स्टेज चालू हो गई। थर्ड स्टेज मतलब बच्चा बाहर तो आ गया है और इसके बाद हमें प्लासेंटा भी निकालना है, तो प्लासेंटा डिलीवरी होने को थर्ड स्टेज बोलते हैं। ये 20 मिनट की 15 मिनट की बात है, जल्दी हो जाती है। तो इसके लिए डॉक्टर लोग आपको कमर पे इंजेक्शन दे देंगे, सलाइन में कुछ दवाइयाँ डालेंगे ताकि ये स्टेज फास्ट हो जाए। प्लासेंटा का बाहर निकलना बहुत महत्व का है। बाहर आने के बाद डॉक्टर लोग आपको चेक करके बोलेंगे कि अभी प्लासेंटा ठीक ठाक बाहर आया है, डिलीवरी की प्रोसीजर कंप्लीट हो गई है। आपको फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में बेयर डाउन मतलब पुश नहीं करना है, क्योंकि वो तो बच्चादानी का मुंह अपने ही आप खुल रहा है। सेकंड स्टेज में आपकी तरफ से एक्टिव मदद चाहिए, क्योंकि सेकंड स्टेज में मुंह पूरा खुला है, अभी बच्चे को नीचे ढकेलना है। बच्चा तो अपनी एफर्ट्स करेगा ही, लेकिन माँ ने भी उसे पुश करना है। तो इसलिए डॉक्टर आपको, नहीं तो आपकी नर्स होगी साथ में, आपको पोजीशन सिखाएंगे। आपने ब्रीदिंग तो सीख लिया है प्रेगनेंसी में, आप हमारे ब्रीदिंग टेक्निक का वीडियो ज़रूर देखिएगा। लंबा सांस धीरे धीरे लेना है, जोर करना है, ऐसा करते करते बच्चा बाहर आ जाएगा। और सेकंड स्टेज में माँ की तरफ से कोऑपरेशन और फोर्स लगाना ज़रूरी होता है। कभी कभी वेंट्यूज या फॉर्सेप्स ये इंस्ट्रूमेंट्स का डॉक्टर लोग उपयोग करते हैं अगर बच्चा ठीक से नीचे नहीं उतर रहा हो। तो इसके दौरान सीजेरियन का निर्णय कब लेते हैं? अगर आपको फर्स्ट स्टेज में इतना टाइम लग रहा कि बच्चादानी का मुंह ही नहीं खुल रहा, अगर आपके बच्चे ने अंदर पॉटी कर दी
मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में मेकोनियम स्टेन्ड लाइकर, जो हमारा पानी है वो सफ़ेद है, वाटरी है, अगर वो ग्रीनिश आ गया तो ये अच्छी बात नहीं है, तो डॉक्टर इसके बारे में, सीजेरियन के बारे में शायद सोच सकते हैं। फिर बच्चा नीचे नहीं उतर रहा, बच्चेदानी का मुंह खुला लेकिन बच्चा नहीं सरक रहा, तो फिर आपका सीजेरियन हो जाता है। मतलब नॉर्मल हो या सीजर हो, ये डिसीजन ये लेबर में लिया जाता है। तो इसलिए आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए हौसला रखना है, डॉक्टरों को कोऑपरेट करना है, और पूरे 9 महीनों में इसके लिए आपको अच्छा आहार, नियमित व्यायाम करना है, सब साइंटिफिक जानकारी ले लेनी है, ताकि आप ये लेबर में ठीक ठाक कोऑपरेट कर सको और आपका शिशु और आप खुशहाल रहो। बाद में जो एपिजियोटमी का कट किया है वो प्लेसेंटा डिलीवरी होने के बाद सूचर होता है। ये सूचरिंग आम तौर पर लोकल एनेस्थेसिया में होता है, मतलब उधर ही नशा इंजेक्शन से देते हैं, पूरा जनरल नशे की ज़रूरत नहीं रहती। तो लोकल एनेस्थेसिया में ये एपिजियोटमी, मतलब जो कट किया है हमने नीचे की बाजू, वो सूचर किया होता है, और इस प्रकार हमारी डिलीवरी की क्रिया पूरी हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी दर्शकों को डिलीवरी के बारे में संक्षिप्त रूप में जानकारी इस वीडियो द्वारा मिली है। धन्यवाद।